जब हाल मेरी माता पूछे तो सुनी गोद दिखा देना। जब हाल मेरी बहना पूछे रक्षाबंधन लौटा देना। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार क्लास में। ये क्लास 12 का हिंदी है, बहुत ही शानदार है। और इस ये कहानी सिर्फ 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये किसी कोई भी कहानी देखेगा तो बहुत मज़ेदार रहेगा। थोड़ा सा ये वियोग दुख वाली कहानी है, बहुत शानदार लगेगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा से भावुक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद ये उस माँ का दर्द है जिसके आंखों के सामने, या यूं कहे तो उसके जीते जी उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से उसके अंदर क्या क्या व्यथा आती है, कौन कौन सा दुख उस पर आता है। जब भी कोई लड़का चिल्लाता है माँ, तो कैसे ये उठ जाती है एकाएक, और इसको लगता है कि इसका पुत्र ही आ रहा है। इस पूरे दुख को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस कविता में, इस काव्य में बताया गया है, जिस लेसन का नाम है पुत्र वियोग। ये कहने के लिए तो यहाँ शुभ है, शुभ वैसे तालाबे से लिखाता है, शुभ है। और पुत्र, जब भी आपको पुत्र होता है, किसी को पुत्र होता है, तो बहुत शुभ बात है। इस ट्रिक से तो आप जरूर इतना याद रख लेंगे कि शुभ शुभ बात है, जब पुत्र हुआ है तो बहुत शुभ की बात है। लेकिन पुत्र वियोग है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में है। और इनका पुत्र, उनके पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु, इसका मतलब हुआ समय के पहले मृत्यु हो जाती है, तो क्या गुजरता है, ये उन लोगों से जाके पूछिए कि जिसके घर पे ये कंडीशन कभी हुआ हो। ठीक है, हम लोगों ने तो देख लिया। अब देखिए बाबू, ये बहुत ही शानदार और रोचक एक कहानी होने वाली है, इसको गौर से देखिएगा। और ये पूरा के पूरा माँ के बारे में जिक्र किया गया है कि एक माँ पर क्या बीतती है। ठीक, आपके लिए आपकी माँ क्या क्या करती है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें माँ के ऊपर कौन सा दुख बीतता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त 1904, ये याद रखिएगा, 1904, डायरेक्ट 1900 नहीं, 4 साल बाद। ठीक है, और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948, बहुत लगभग 44 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये दर्द झेल नहीं पाती हैं। बहुत हमेशा एक चीज का इनको टेंशन है, पुत्र वियोग में हमेशा ये डूबी रहती हैं। यहाँ समझिएगा, इनका जन्म निहालपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद आप सुने हैं ना, ठीक है, वही उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाता है। ठीक है, जब ये मध्य प्रदेश यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सफर में ही इनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले इनके पुत्र की मृत्यु हुई है, और किस तरह से अपने अंदर के दुख को यह दिखाती है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ठीक 44 साल ये जीवित रही हैं। कैसे, और आपसे पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो ये है, कौन सा पाठ लिखी है आपकी किताब में, तो शुभ, और पुत्र होता है तो शुभ होता है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग लिखी है। ठीक है, यहाँ देखिए इनकी माता का नाम क्या था, यहाँ पे श्रीमती धीराज कुंवर, और ठाकुर राम प्रसाद इनके पिता का नाम था, इतना याद रखिएगा। जब ये लगभग यहाँ से काउंट कर सकते हैं 4 में 15 साल की थी, पहले तो कम उम्र में ही शादी हो जाता था, लगभग जब ये 15 साल की थी तो इनका शादी हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका शादी हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश की थी और मध्य प्रदेश में शादी होता, हो सकता है कि अपने ससुराल से आने जाने के समय कुछ हो गया हो। ठीक है, एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। 1919 यानी कि 1904 में जन्म हुआ, याद रखिएगा, 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। ठीक है, ये भी एक क्या है, कवि ही है, यानी ये कवित्री है, तो ये क्या है, कवि है। और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अंग्रेजों के समय में इन्होंने कुली प्रथा लिखा है, गुलामी प्रथा लिखा है, लेकिन इस सब किताब को अंग्रेज बंद करा दिया है, सेंसरशिप जानते हैं ना, सब पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि गुलामी का नशा ये सब पढ़ने के बाद लोगों के अंदर मोटिवेशन की भावना जगती थी, राष्ट्रवाद की भावना, इसीलिए उनकी किताब को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये लड़ाई में भी भाग लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां देखिए, इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद जहाँ की ये होंगी, उत्तर प्रदेश, वहीं पे शिक्षा दीक्षा हुआ था। ठीक है, और जब ये पढ़ रही थी तो एक महान कवित्री थी महादेवी वर्मा, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ किसने पढ़ाई किया है, ठीक है, कौन साथी है, तो महादेवी वर्मा इनके साथ पढ़ाई की है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखा है क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल, वैसे ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, गर्ल्स है तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, बाद में ये पढ़ाई छोड़ दी, 9वीं क्लास तक पढ़ करके और पढ़ाई छोड़ दी, और असहयोग आंदोलन में भाग ले ली। आप कमेंट में बताइए कि गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, वैसे भी वीडियो आपको पढ़ा है, बहुत शानदार ट्रिक मिल जाएगा आपको असहयोग आंदोलन का। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि असहयोग आंदोलन कब चला था।
प्रधान कार्यक्रम, ये कौन कौन सा कार्य में इनको रुचि था थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। समाज सेवा करती थी, समाज के बारे में अच्छा सोचती थी, राजनीति की भी बहुत अच्छा से जानती थी, और यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से ये एमएलए भी थी। ठीक है, एमएलए माने विधायक समझ रहे हो ना, बस वही। इनकी कृतियाँ मुकुल, मुकुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मुकुल। ये जो पुत्र वियोग है ना, ये मुकुल से लिया गया है। किससे लिया गया? मुकुल। यहाँ कुल माने सुकून है, बहुत ठंडा, लेकिन इस पुत्र वियोग में यहाँ मुकुल से तो लिया गया है, लेकिन इसमें बहुत दुखद कहानी है। ठीक है, यहाँ पे मुकुल से लिया गया है, और यहाँ पे त्रिधरा, बिखरे मोती, ये सब है। यहाँ पे सत्ता का खेल, ये भी कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। और मुकुल भी कहानी संग्रह है। जब ये मुकुल लिखी ना, मुकुल जब लिखी और उसमें पुत्र वियोग बहुत लोग पढ़े तो काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हो गए और रोने लगे। मतलब कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा इमोशनली, थोड़ा सा सुनने के बाद रो देते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं मुकुल पर उनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो पुरस्कार मिला था, कौन सा? शिक्षा सरिया पुरस्कार। याद रखिएगा, शेखसरिया पुरस्कार यहाँ पे मिला था, ये दिमाग में रखिएगा। इनका संबंध किससे था? तो यहाँ देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध राष्ट्रीय भावधारा से था, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। कविता में केंद्रित मुख्य प्रेरणा अर्थात निष्ठ राष्ट्रवादी भावधारा है। अब थोड़ा सा ये जान लो, कवि मुक्ति बोध, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति है कवि मुक्ति बोध, इन्होंने सुभद्रा कुमारी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। एक आपसे पूछ दिया जाएगा कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग हैं, उद्वेग माने जोश, जुनून है, अपने नए जमाना के प्रति जोश और जुनून है, यह बात किसने कही? तो कवि मुक्ति बोध। वैसे भी यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जो साहित्य में अपने युग के, माने अपने युग यानी जिस युग के ये कवि हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा जोश जुनून भर देती थी, ये बात किसने कहा? कवि मुक्ति बोध ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। इस कविता में पुत्र के निधन का दुख के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, और ये तुलना किया गया है सरोज स्मृति से, जिस सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जो ये पुत्र वियोग आपका काव्य है, ठीक है, ये किस काव्य से तुलना किया गया है? तो तुलना किया गया सरोज स्मृति से, और सरोज स्मृति को किसने लिखा? त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा था। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सा ऐसा दुख है, और किस तरह से, मतलब पुत्र की मृत्यु के बाद, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कोई लड़का बार बार माँ माँ चिल्ला रहा है, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, और एकाएक वो मतलब चिल्लाना बंद कर दे, बुलाना बंद कर दे, तो इनको हमेशा खटकता था, कोई भी माँ कहता था तो इनको बहुत तकलीफ होता था कि मेरा भी एक पुत्र था। आप भी देखिए कितना हमारी माँ ख्याल रखती हैं, जब अपना थोड़ा देर के लिए हम बार बार, जब हम लोग सुबह सुबह आते हैं मतलब पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए सुबह में आते हैं, तो लेट हो जाता है, क्या हो जाता है? लेट हो जाता है, अरे जल्दी में खाना वाना खाने के नहीं, बाद में खाएंगे, आएंगे तो खाएंगे, और हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन माँ पीछे पीछे दौड़ जाती हैं, जबकि उनको क्या जरूरत है दौड़ना? नॉर्मल इंसान तो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, आएंगे तो खा लेंगे, ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन माँ पीछे पीछे दौड़ जाती है और जबरदस्ती करती कि खा लो, कम से कम एक रोटी ही खा लो, इतना मतलब लाड प्यार दुलार हम लोगों को मिलता है। ठीक है, एक तरह से, और बाद में जब हम लोग, अब कहती भी कितना परेशान तुम लोग करते हो, लेकिन हम लोग कहीं चले जाते हैं तो कॉल करके ये भी तो पूछते हैं कि तुम लोग नहीं हो तो मन नहीं लगता है। ठीक है, मतलब लगता ही नहीं, ये सब पूरा घर सुना सुना लगता है, लगता ही नहीं कि हल्ला हो रहा है, कुछ ऐसे ही इनके भी जीवन में घट रहा है। बहुत ही शानदार है, ये आपके साथ भी जरूर होता होगा। माँ के बारे में कमेंट एक कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं और आपकी माँ किस तरह आपके साथ करती है, ये जरूर याद रखिएगा। अब इस लेसन में हम लोग ये देखते हैं, पुत्र वियोग के बारे में देखते हैं कि किस तरह से, कौन सा कहानी है, कौन सा काव्य है। देखिए, आज दिशाएं भी हंस रही हैं, पूरा के पूरा दसों दिशाएं हंस रही हैं, पूरा लोग खुशी से झूम रहा है। ठीक है, उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में खुशियां छाई हुई है, लेकिन यहां समझिएगा, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख क्या करिए कि मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ पुत्र अभी तक वापस नहीं है, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया खुशी से झूम रही है, लेकिन मेरा खोया हुआ बच्चा अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया। ठीक है, शीत न लग जाए इस भय से, नींद यहाँ पे नहीं गोद से जिसे उतारा, शीत नहीं लग जाए, पानी नहीं लग जाए, इस वजह से हम आज तक अपने पुत्र को नीचे नहीं उतारे हैं, गोद से नीचे नहीं उतारे हैं। ठीक है, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारता, जिस वक्त हम लोग माँ कह के पुकारते हैं सभी काम छोड़ कर, हाँ बाबू क्या बात है, ऐसे बोलने आती है ना। ठीक है, तो माँ कह के जब वो पुकारता तो सभी काम छोड़ के मैं आ जाती थी। ठीक है, यहाँ देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, थपकी दे दे करके माँ सुलाती है ना, जिसके लिए लोरिया गा के सुनाती है, जिसके मुँह पर जरा मलिनता एक आँख में रात बिता दी। अगर हमारे हम लोग के चेहरे पर थोड़ा सा उदासी छा जाता है ना, ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है, माँ देखते ही रहती है कि क्यों उदास है, और पूछते रहती हैं, उनको टेंशन हो जाता है कि मतलब बाबू को क्या टेंशन है, या जो भी है। ठीक है,
अब देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, जिसके लिए सभी अपनापन अपने पुत्र के लिए सभी से नाता तोड़ सकती है, एक माँ ही ऐसा होती है जो अपने पुत्र के लिए पूरा जग छोड़ सकती है। ये हमेशा याद रखिए, किसी से भी, दुनिया के किसी भी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आ जाए टकरा सकती है, माँ डरेगी नहीं, क्योंकि उस समय पुत्र की बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे पत्थर को भी भगवान मान के पूछती है सिर्फ कि मेरा बच्चा सुखी रहे। देखो यहाँ पे, कहीं नारियल दूध और बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं ये सब जितना भी चीज़ें हैं शीश झुका करके और अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए दुआ करिए, और उस पुत्र का असामयिक मृत्यु हो जाती है तो क्या दुख होगा, ठीक है। ये एक जिसका पुत्र की मृत्यु हो गई है वही समझ सकता है। यहाँ देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी इतना सब करने के बाद, पूजा पाठ जप तप इतना फल वगैरह चढ़ाने के बाद कोई कुछ ना नहीं कर पाया, और इनका लाल छीन ही गया, इनसे इनका खिलौना छीन ही गया, इनके लड़का नहीं रहा इस दुनिया में, ठीक है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, मैं असहाय ही बैठी रही, मेरा सहारा कोई रहा ही नहीं, जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई उसके बाद से तो मैं एकदम अकेली सी ही हो गई, ठीक है। मेरा छौना, मेरा लड़का ही उठ गया, इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, अपना प्राण का मतलब ये रोज रोज तड़पती हैं अपने पुत्र के लिए, ठीक है। मुझको पल भर शांति न है, कह रही है कि हमको पल भर का शांति न है, ठीक है। वो खोया धन पा न सकूंगी, इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अब वो खोया हुआ धन जो एक बार, अच्छा आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हमेशा के लिए ना चला जाता है। जब ये दिमाग में सोचोगे ना कि अब वो कभी नहीं आएगा, उस वक्त तकलीफ होगा कि अब इसका चेहरा हम कभी नहीं देख पाएंगे, यही यहाँ पे इनके अंदर भी ऐसा हो रहा है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, फिर भी इनका मन नहीं मानता है। ये अपने आप को समझाती है कि अब कितना भी रोने से वापस थोड़े आएगा, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं मानता है, ठीक है, और फिर भी ये रोते रहती है अपने पुत्र के वियोग में। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि यदि एक बार वो मेरे पास आ जाता, गॉड ऐसा कुछ करते कि एक बार आ जाता, तो हम उसको कहीं नहीं जानते, उसको प्यार से सहला के समझाते, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या दशा हुई है, बड़ी प्यार से समझाते हम, ठीक है। ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना है। अब देखो, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यहाँ पे बोला जा रहा है, सही बात है, बेटा खो करके और माँ के मन को समझा देना, मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं है और आप वहाँ समझाइएगा ना, तो वो थोड़ा देर के लिए उनको लगेगा, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चलेगा कि उनके आँखों का तारा इस दुनिया में नहीं रहा, ये ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो मतलब मन को समझाना बड़ा मुश्किल है जिसके पुत्र नहीं है, ठीक है। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन को भुलाया जा सकता है, जब माँ अपना घर छोड़ के आती है तो भाई बहन को भुला सकती है, लेकिन अपने पुत्र को कभी नहीं भुला सकती, और अपने पुत्र के लिए किसी से भी, दुनिया के हर एक ताकत से टकरा सकती है, ठीक है। भाई बहन को भले भुलाया जा सकता है, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, पिता भी तुमको भुला देगा, एक बात याद रखिएगा। और माँ और पिता में कंपेयर किया जाए ना, तो माँ वो हर कोई भी काम कर सकती है अपने पुत्र को खिलाने पिलाने के लिए, किसी भी हद तक जा सकती हैं सिर्फ अपने पुत्र के लिए, लेकिन वो काम पिता नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए माँ के ममता का हम लोग कीमत नहीं लगा सकते हैं, कभी जिंदगी में उनका कोई कीमत है ही नहीं माँ का प्यार का, ठीक है। किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझावे, लेकिन रात दिन की जब हमारा जन्म होता है उस वक्त से लेके कभी हमको छोड़ के हम लोगों को नहीं जाती हैं, वो अपना मन कैसे समझाएंगी कि उनका पुत्र नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, और ये है ना थोड़ा सा इमोशनली कहानी, एक इमोशनली काव्यखंड। अब आप बताइए, थोड़ा देर के लिए सोच करके देखिए बाबू, कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका एक प्यारा सा लाडला इस दुनिया में नहीं रहा, और उसी के गम में एक तरह से देखा जाए हमेशा इस दुख में, वियोग में हमेशा ये रहती थी, ठीक है। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेजन 44 साल, इनके लगभग 44 साल जीवित रही हैं, और फिर इनका कार एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये कहानी आपको बहुत शानदार लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि माँ आपके लिए क्या क्या करती है, आपके लिए क्या करती है। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यूं ही लिख सकते हैं। अगर बहुत अच्छा तरीका से माँ के बारे में समझ गए, सुभद्रा कुमारी के बारे में समझ गए, तो आप लघुतरीय और द्रुतरीय आपको यूं ही समझ में आया गया। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।